एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। ये देखिए, मैं सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैंने शावर जेल भी ले लिए। मैंने आज न्यू ड्रेस पहना है, ये लखनवी ड्रेस है, इतना प्यारा है। इस पर भी धागे की वर्क, ये देखिए, ये मैंने जोधपुर से मंगाया था मेरी फ्रेंड से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मैंने खुद ने स्टिच किया। इस पर मैंने प्लाजो ड्रेस बनाई है, मेरी भतीजी पीछे। हम लोग अभी जा रहे हैं, आपको पता है इतने दिन हो गए मेरे को बाहर निकले हुए, तो बस मैं भाभी के साथ भी जा रही हूँ। तो ये गुड़िया ये जिद कर रही थी, थोड़ा इसको घुमा के लेके आ रहे हैं हम लोग। ये देखिए मेरा ड्रेस, अभी मैं थोड़ा सा बाल को सेटअप कर लूँगी, वरना गाड़ी में मेरे वाले से सारे उड़ जाएंगे। बट गाड़ी में बैठते ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, मैं कैसी लग रही मेरे को बताना। ये देखिए अभी मैं लेती हूँ ये सर पर दुपट्टा, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरी बहन बोल रही थी बहुत प्रीटी लग रही है, बोले बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी तेरे पे साइड ड्रेस अच्छी लग रही है। देखिए ये फाइनली मेरा लुक। अभी मैं वैसे भी मेरे सारे कपड़े मैं खुद ही स्टिच करना पसंद करती हूँ, बाहर से मेरे को इतना सिलाना मेरे को पसंद नहीं है। ये देखिए, मेरे को कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फिट भी हो चुकी हूँ, मैं अपने आप को फिट रखना बहुत पसंद करती हूँ, मेरे को मोटापा पसंद नहीं है। ये देखिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, कूदना, जंपिंग करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं काम कर रही हूँ कौन से पहनूँ, मैंने इसमें बैग में डाल दी थी, मैंने सोचा कि मैं कौन से पहनूँ, तो बट आपको दिखा देती हूँ। मैं जब वीडियो बनाऊँगी मैंने दोनों ले लिए भी, ये वाले पहन लूँ, ये वाली अच्छी लगेगी ना, है ना। और एक और वाली दिखाती हूँ आपको, एक दूसरे वाली भी और मैंने नहीं दे रही आपको, ये वाले पहन लेती हूँ गाड़ी में, फिर बाद में वीडियो बनाऊँगी ना, ये वाले पहनूंगी, है ना। बस ये सही है ना, ये अच्छा लगेगा, दिखाना। ये देखिए ये वाले पहन लेती हूँ, ठीक है, अभी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी हम निकल रहे हैं, मैं पैसे निकाल के दे देती हूँ मम्मा को। ये 10 रुपये मैं सदके के निकाल के कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो मैं ये रख के जाती हूँ ताकि अम्मी गरीबों को देते। मैं सफल में अम्मी मेरी पानी की बोतल ले रही, ये मैं सिर्फ, हाँ ये तो ठीक है, मेरी सिर्फ दोनों, ये मेरे को ले रही बोतल। पाकिस्तानी सूट पहना है, मेरी भाभी ने खुद ने स्टिच किया था, मेरी भाभी को भी सिलाई आती है। हाँ अच्छा लग रहा है भाभी पे ये ड्रेस, देखिए भाभी का फाइनल लुक। जूते पहन लेती, भतीजी मैंने न्यू ड्रेस पहना है। आपकी पुपी लेके आई ना, बुआ लेके आई ना आपकी, है ना। बुआ को बोलो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ड्रेस, है ना, अच्छा है ना, कितनी अच्छी लग रहे हो। वो आपके लिए कितने ड्रेस लाती है ना, आपकी मासी भी तो लाती ना आपके लिए ना, अभी भी आपके लिए न्यू ड्रेस लिया है ना। सो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं। तो बाहर हमने देखा ना, इतना प्यारा व्यू हो रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड, ठंड में घूमने में मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब हम इतने दिनों के बाद में बाहर निकले हैं, तो मतलब मेरे को ठंड में इतना घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी बाहर, तो वहाँ का भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ गाड़ी में मेरी भतीजी मेरे को परेशान कर रही थी, बोल रही थी कि वो आप सो मत जाना, आप गाड़ी में सो जाते हैं, आपकी तबीयत थी, फिर मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी, मैंने पहने सॉक्स। हम विधानसभा उतरे हैं यहाँ पर, मेरे को इसका ना व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक करी भाभी ने, मैंने मेरी भतीजी, मेरे को अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से हम निकले हवा महल, हवा महल के पास मेरे को गजक बहुत अच्छी लगती है, वहाँ अच्छी अच्छी वेरायटी में गजक मिल जाती है। और आपको पता है अभी ठंड चल रही, गजक किसे नहीं पसंद है। मुझे मेरी मामा के लिए गजक लेनी थी घर पर, मैं मतलब किसी ना किसी के लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर ही आती हूँ, ऐसे नहीं मैं खाली हाथ लेकर, मेरे को लेकर ही जाना पसंद है। और मेरे घर वाले इतने ज़्यादा खुश होते हैं। और सारी गजक को मैंने टेस्ट की, और जो जो वेरायटी मेरे को समझ में आई मैंने वो सारी ले डाली। और सर्दियों में गजक खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, अगर सर्दियों में यही नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। गाइस जब रात को मूंगफली और ये गजक खाते हैं कितना मज़ा आता है, सब लोग घर वाले जितने भी होते हैं टाइम पास करने के लिए आकर बैठ जाते हैं, और वहाँ गपशप थोड़ा सा हम करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरी भाभी को चाय चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म यहाँ पर चाय भी ले लेंगे। पहले मैं गजक का मैं वेट कर रही थी, अच्छे से इन्होंने मेरे को पैकिंग करके दी, और यहाँ से मैंने सारे डब्बे उठाए और चाय चाहिए थी, कलर ख़राब हो रहा था, खराब हो रहा है। बट यहाँ मैंने कहा कि हिंदू वाली चाय मिल जाएगी, हिंदू वाली मिल जाएगी,
खा रही थी मेरे को, बट मेरे को अभी चाहिए चीज थी ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। और यहाँ को मेरी चाय का मज़ा, वो भी सर्दियों में आपको पता है चाँदनी में होना तो कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से हम लोग निकल गए खाना खाने के, हम आए राधा रानी रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। चलो अब जल्दी से हम अंदर चलते, मेरे को भूख लगी। खाना खाने के लिए तो अभी लगभग 2 बज चुके हैं, फिर इसके बाद में हम निकलेंगे हमें वहाँ किले पे चलेंगे। वैसे मैं जा चुकी हूँ, मेरी घर में ना उन्हें भी नहीं देखा, तो उनको मैं दिखा चुकी थी। देखिए और यहाँ दिखा रही थी यहाँ पर, और यहाँ मेरा भाई उस समय कैम नहीं देना चाहती, वो नहीं आना चाहता, बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं कैसी लग रही हूँ मेरे को बताना, ये हवा से मेरे बाल देखिए कैसे हो गए। अभी वर्कआउट में सर पे रखना नहीं पड़ता के लिए लिख लिया। चलो अभी मैंने निकाल दिया, बट अभी हमारा खाना आ रहा है, हमने ऑर्डर दे दिया है तो अभी खाना आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ अपना। ये देखिए मेरी हेयर स्टाइल भी मैंने बनाई थी, बट ये सबको बहुत अच्छी लगती है, मेरी हेयर स्टाइल में सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस बोलो। अभी हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, मैंने ऑर्डर किया था मशरूम चीज़ पिज़्ज़ा, इतना अच्छा लगा। मेरी भतीजी की खासकर उसको मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं, तो स्पेशली मैं उसको देखकर ही मैंने वो सारी चीज़ें ऑर्डर की थी ताकि वो खा सके, और इतना ज़्यादा टेस्टी लगा मेरे को, इतना मज़ा आया। गर्मा गर्म जयपुर का आपको पता है पिज़्ज़ा कितना ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ जाती सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ। पिज़्ज़ा तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट मेरी सिस्टर ने कहा था मेरे लिए ले कर आना, बट मैं नहीं ला सकी उसके लिए। भाभी ने और मैंने सोचा कि हमारी सिस्टर तो आई नहीं कि हम दोनों ही फिनिश कर लेते हैं, बट मेरी भतीजी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था यहाँ का खाना। मेरी भतीजी बोल रही थी हाय गाइस आप लोग कैसे, और यहाँ पर मैंने सिंपल रोटी दी थी, मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, बट मेरे गले में बहुत ज़्यादा ही कफ बन रहा था इसलिए मैंने सारा सिंपल ही खाना लिया। बट जब सामने होते हैं, जब सब लोग खाते हैं, तो मेरा भी मन करता है खाने का, तो मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर कर लिया कि मेरे को पनीर टिक्का खाना। इतना ज़्यादा टेस्टी था मेरे को तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा, और हमारी सर्विस उन्होंने इतनी अच्छी की कि वो अंकल तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, और यहाँ का खाना भी बहुत ही अच्छा था। बट हम लोग को इतना मज़ा आया खाना खा के, हमने सही टाइम पे खाना खा लिया था, लगभग 2 बज चुके थे हमें। बट हम लोग हर बार मतलब बाहर निकलते खाना सही से नहीं खा पाते, बट हम लोग किधर रहते हैं और यहाँ पर मैं खा रही हूँ पनीर टिक्का, और पनीर टिक्के का टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब था, मैं क्या बताऊँ। अब खा लिया, अभी मैंने मशरूम पिज़्ज़ा खाया था, चीज़ पिज़्ज़ा था, और ये हमने मंगाया पनीर टिक्का। बट इतना ज़्यादा हो गया, आपको बताया ना मैं कितना खाती हूँ, थोड़ा सा खाती है हम लड़कियाँ, बट कुछ लोगों को मानना है कि ये थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा खा जाती है, यही खाती है, हमें तो कुछ खाने नहीं देती। ये मेरा गर्म पानी, अभी मेरी तबीयत ख़राब है ना इसलिए मैं गर्म पानी। ये मैंने सिंपल रोटी मंगाई है, वहाँ मेरी पनीर की सब्जी। इतना ज़्यादा हो गया ना, क्या करें, ठूस ठूस के खाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर अभी मैं लिए एक रोटी, और यहाँ मैंने गट्टे की सब्जी ली थी, वो गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी थी, बेसन के गट्टे थे। बट हम लोग को पहाड़ पे चढ़ना था, तो हमने सोचा कि ऊपर तो कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि यहाँ पर ही अच्छा सा खाना खा लेंगे, ऊपर आपको पता है कैसा मिलता है कैसा नहीं। बट डॉक्टर ने मेरे को मना भी किया था क्योंकि आप अच्छा खाना पेट भर के, तो फिर मेरे को दवाई भी लेनी थी। मैंने अच्छे से यहाँ खाना खा लिया, और इतना टेस्टी था, मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ की गट्टे की सब्जी, और इतना अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन था रेस्टोरेंट, मेरे को यहाँ की सफाई बहुत अच्छी लगी। मैं सबसे पहले सफाई देखती हूँ यहाँ की,
टिपिकल आंसर दो। आपने हमारी सर्विस अच्छी की तो अच्छा लगा हमें, थैंक यू। देखिए गाइस हम आए शिमला और मनाली। हमारा मनाली हो गया यहाँ का। नंबर को लगा बनाया है फर्स्ट मानसिंह, सेकंड मिर्जा जयसिंह, थर्ड सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के टाइम में प्लेग की बीमारी आई थी जैसे करोना, ये लोग छोड़ के हवा में शिफ्ट हो गए। ये दलाराम बगीचा लेकिन मोहन बगीचा, ये कौन सा दलालाल बगीचा, दलाराम बगीचा मोहन बगीचा। दलाराम मोहन जो आर्टिस्ट थे किले का मैप बनाने वाले, उनके नाम पे दोनों बगीचे। पहाड़ी पे सेफ की वाल है, 2-3 किलोमीटर राउंड में। उस समय फोन वायरलेस वगैरह नहीं होते थे, जब कोई राजा टेक के लिए आते थे वो ड्रम बजाएगा, वो ड्रम बजाएगा 35 सामने जाली वाला वेलकम हाउस से गेस्ट मेहमान आते थे, वो वेलकम किया जाता था। पीछे गेस्ट हाउस अंडर रूम बना हुआ, और मेरे टावर रेड वाले की लेडीज वेलकम जो है जो सेंटर में नाच गाना होता था। गाइड करने वाले हमें बताने वाले हैं, तो हम इनके जरिए पूरा महल घूमने वाले हैं, तो हमें ये सब कुछ बताएंगे। ताऊ के पीछे पेंटिंग बोलते हैं, सब्जियों में कलर है, पालक मेथी गाजर बथरा कलर पैसा नहीं है तो पेंटिंग बोलते हैं। यहाँ से पालकी द्वारा राजा के पाल ले जाते थे, कंधे वाले पाल। ये भी 400 साल पुराना है, राजा के यहाँ सब मिलता था, बाहर मार्केट में नहीं मिलता था। हाथ लगाओ यहाँ, चार सौ साल हो गया देखो आपको। मेरे को यहाँ भी लोगों ने खराब कर दिया, इसलिए वो बंद कर दी गवर्नमेंट। यहाँ पर ही मीना मार्केट, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी मिल रही थी। बट मेरे को तो राजस्थान ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पसंद है, देखते ही फिर मेरे को तो लगा बस मेरे को मुझे लेना है। मेरे को इतनी अच्छी लगी, मेरे को चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। बट इनमें ना कपड़े वगैरह ये सब उलझते, फिर मैंने सोचा कि कहीं घूमने जाएंगे ना तब पहन लेंगे। तो मैंने भैया से मेरा 2-4 नाप मांगा, फिर उन्होंने मेरे को मेरा नाप दिया सही, और वहाँ से मैंने ये 2 चूड़ियाँ ली। ये मैंने 100 रुपीज़ की ली थी, अच्छी थी। बट यहाँ थोड़ी यहाँ ऐसे कम वगैरह नहीं करते, मतलब यहाँ फिक्स रेट होते कि हम लोग नीचे से लेके आते हैं पहाड़ों से बेच के, तो इतना ये लोग करते नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली मिलती है हर चीज़ें,
और यहाँ से मैं चली फिर ऊपर की तरफ। यहाँ की लोकेशन वगैरह मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है, पहाड़ी इलाका और इतना मज़ा है। एक रानी के रूम में दो रानी मिलकर बात में थोड़ा सा कमरे में दो बात करेंगे तो 40 किलो धान उसको पीसना पड़ता है। ये सजा के 5-7 इकट्ठी मिलते हैं तो आपस वाइट वाला है दीवानी का। दिल्ली रोड 1 नंबर नया बाईपास है पहाड़ के पीछे। पहाड़ के पीछे लड़ाई के समय 5 गेट बंद होते हैं। पहला गेट पहला ये, सेकंड है 3 ऊपर, मॉर्निंग में सेकंड थर्ड ऊपर है। कच्चू सामने क्या था मंत्री लोग रहते थे, राजा मंत्री प्लेस के कारण चले गए थे, परेशान हो गए। लड़ाई के समय जो पब्लिक बची गेट से देखो अंदर आती थी, एमरजेंसी गेट साइड में सारी पब्लिक के लिए मार जाती थी। तो पहले जनता पे अटैक हुआ, बाद में कोर्ट पे अटैक हुआ, तो जनता को हम साथ साथ की भी लड़े ऊपर शूटिंग हुई थी हमारी, जिबड़ा भी नाची मोट है। ये आर्मी परेड ग्राउंड है, नीचे से गेस्ट मेहमान को पालकी द्वारा लाते थे। इधर देखो खिड़की वाले गेस्ट हाउस है, नीचे वाले अस्त वाले घोड़े आती इधर भी पीछे उधर भी, ये सारे गेस्ट हाउस है। ऊपर वाले, ऊपर वाले सेंटर में राजा के लिए आर्मी थी, बाहर आने वो विंडो की खिड़कियाँ बाहर भी बताई थी ना आपको। इधर प्रोग्राम वहाँ से देखते थे, ये दीवाने आम है ऊपर देखो। अंदर राजा मंत्री होते थे, बाहर गांव वाले लोग होते थे, आपस का झगड़ा, जमीन का झगड़ा। सेकंड बार दीवाने खास है मंत्रिमंडल मीटिंग, पब्लिक के लिए क्या करना है। शुरू हुई थी क्या विद पिक्चर के सेट? हाँ, इधर ही हुई थी क्या? गाड़ी खड़ी वहाँ। हाँ, ये पत्ता देख रहे हैं, मिट्टी बिछा देते हैं रेतला मैदान। अच्छा, तो इधर ही हुई थी बेचारा की शूटिंग। टीवी नाम पुकार जाती है, माँ का कंगन पहनाता है। देखिए रानी है वो खिड़कियाँ बताई आपको। हाँ। ये किला 1590 स्टार्ट हुआ, 1727 कंप्लीट हुआ, 137 क्या की बड़ी थी चाहती। ये देखो इसको कितनी कैसी प्यास लग रही है, थक गई क्या? Thank you.
इतनी ज्यादा भीड़। हम लोग को 3 बज गए थे, यहाँ आते हुए हम लेट हो गए थे, बट हम लोग को जल्दी से घर भी जाना था घूमकर। बट मैं यहाँ स्पेशली भाभी के लिए आई थी, बट मेरा तो घुमा, मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी को मैं पूरा दिखा के लिख के जाऊँ, बट भाभी घूमे यहाँ पर, मेरे को दिख गई चूड़िया। तो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन अच्छा है, जैसा भी होता बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। हमारे ताऊ जी कहाँ गए, वो रहे उनके पीछे जाना है। बट हम लोग लेट हो गए थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए कितना घूम पाते हम लोग। बाप रे बाप कितना ट्रैफिक है। हाँ बाप रे बहुत ज्यादा केवल चलिए ये देखिए गाइस मेरे पहाड़ के ऊपर से गिर जाएगी तू। हम लोग आए मीना बाजार, 20 महल के 102 रुपए की, लेकिन हम लोग उसमें एंट्री होकर बढ़ गए पता नहीं, और चीज के जब तुम पैसे बैठे उसकी टिकट हो गई। हम लोग उसको कैंसिल करें, हम लोग आए यहाँ मार्केट, मीना मार्केट, चलो आपको लेके चलती हूँ। गए थे बट वहाँ कुछ नहीं था, इतना महंगा था वहाँ पर, मतलब सब लोगों को मीना मार्केट लेके जा रहे हैं पकड़ पकड़ की गाड़ियों। मेरे को इतनी बुरी हंसी, सच्ची में बता रही हूँ, क्या ये क्या है ये ऐसा मीना मार्केट, इससे मैं सच्ची में हम लोग नहीं आते तो अच्छा रहता, इससे अच्छा हम घूम के आते होते। इतना मजा आया, मैंने इतना इंजॉय किया। गाइस हम लोग जा रहे हैं घर, बस हमने ये घूम लिया, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम। आपको कैसा लगा बताना, बट मैंने आधे ही घुमा, मैं लेट हो चुकी थी, मैं 3 बजे आई थी, अभी मेरे को घर के लिए भी निकलना है, तो यहाँ से मेरे को ये छुड़ी है चुमके भी मेरी मिल गई। यहाँ पर शादी हो रही है, तो कुछ पटाखे मेरे को दिख गए थे, तो मैंने ये कैप में कैप्चर कर लिए, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ शायद मेरे ब्लॉग के लिए छूट रही है, मैंने इतना अच्छा ब्लॉग बनाया, बाप रे वाह कितने अच्छे, मेरा तो ब्लॉग और भी अच्छा बन गया ये तो। शायद मैं इस रास्ते से आई इसलिए मेरे स्वागत के लिए छूट रहे हैं, इसलिए आ रही नहीं दर्द। यहाँ पर मेरे पास एक कड़ा और था, बट मैं भूल गई इसे पहनने के लिए, मुझे याद बाद में आया जब भाभी ने कहा ये बैग में दी। यहाँ पर मेरी भतीजी सोने की तैयारी कर रही थी, भाभी कपड़े चेंज कर रही थी, बोल रही थी इसको स्वेटर पहना दे, बट ये कि मानती नहीं, इतनी ज्यादा जिद्दी है, बोले नहीं मैं नहीं पहनूंगी, मेरे को तो चादर उड़ा के ऐसे ही सुला दो। बस उसको सुलाने की हम लोग गाड़ी में तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा तू तो सोचा तेरा तो हो जाएगा, बट हम लोग इसके लिए सब कुछ लेके आए थे स्वेटर सब, बट हम लोग को तो सी नहीं लग रहा था, बट इतनी ज्यादा ठंडी हो रही थी। लोग आए खाना खाने के लिए, भी नाइट हो चुकी है, तो चलो चलते हैं। देखिए मेरे को ना भी इतनी ज्यादा ठंड लग रही है,
गाइज हम इसमें घूम गए थे, वापस से वही आ गया। गाइस अभी नाइट हो चुकी है तो हम लोग ने यहाँ खाने पे ऑर्डर किया था स्टफ नान, शाही पनीर और यहाँ पे लाल चटनी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी, मेरे को जूस पीना था। और यहाँ पे मैंने ली पनीर पकोड़े, जो कि मेरे इतनी ज़्यादा मिठाई ली थी ना, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर। ये मैंने मूंगफली की चक्की ली थी, ये भी खोल के बताइए, मेरी भतीजी बता रही है। ये क्या है, ये केसर वाली है, ये केसर वाली गजक है, ये भी अच्छी, मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, मम्मा के लिए लेके आई थी स्पेशल मैं। ये देखिए ये शक्कर वाली, ये मूंगफली वाली, ये केसर वाली, और इसके अंदर ये ना एकदम तिल वाली, ये भी बहुत अच्छी लगी हम लोग को। ये वाली गुड़ वाली, ये सारी अलग अलग वैरायटी और भी बहुत थी, तो लेकिन मैंने सोचा कि अभी स्टॉप कर देती हूँ, मैं कितनी लूंगी घर पे, कौन खाएगा इतना ज़्यादा। अच्छी है ना, है ना। मैं और भी मतलब वहाँ के फेमस गुलाब जामुन भी होते, वो भी लेके आती, लेकिन तो अभी कर लो ना टेस्ट। चलो ठीक है गाइज, अभी मैं इस डब्बे में स्टॉल करके रख देती हूँ, मामन का क्या आप इस डब्बे में डाल दो। एंड गाइज मैं अपना ब्लॉग गजक के साथ में एंड करी, अगर जिस किसी ने भी मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। और गाइज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लाती रहूँ। बाय बाय।